नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आज बिहार में जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं वो दूसरी बार पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, और वो इसलिए क्योंकि पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक नोटिस निकाला है। उस नोटिस में उन्होंने यह लिखा कि जितने भी आरजेडी के नेता हैं जिनको पार्टी से बाहर निकाला गया था, वो सभी लोग जो हैं पार्टी में आ गए हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो किसी भी जितना समय तक उनको निकाला गया है उस समय तक उनको किसी भी पद पर नहीं रखा जाएगा, बस राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य होंगे। ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए जो जगदानंद सिंह हैं वो अंदर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ संगठन की चुनाव की जो हम बात करें तो इस चुनाव को लेकर लगातार जो समय है वो नज़दीक आ रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, और कितने सदस्य बनाए जाने को जो लेकर जो कहा गया था, जो सभी को टास्क दिया था, उस टास्क को लेकर जो है फीडबैक लेने के लिए तेजस्वी यादव पार्टी दफ्तर पहुँचे हैं। उन तमाम लोगों से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मीटिंग कर रहे हैं और सभी चीज़ों को लेकर जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार जो सदस्यता अभियान चल रहा है, जो पार्टी का संगठन का जो चुनाव होना है, इस तमाम तरह की प्रक्रियाओं को लेकर, पार्टी के संगठन को लेकर तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल अभी वर्तमान में लालू प्रसाद यादव ही हैं, लेकिन पार्टी की बागडोर कहा जाए तो एक तरीके से तेजस्वी यादव ही देखते हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह देखते हैं, और ऐसे में इस संगठन के चुनाव को लेकर और जो तमाम सदस्य जो नहीं थे उनको फिर से सदस्य बना दिया गया है। हालांकि उन्हें किसी पद पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया और इस लेटर में यह तमाम तरह की बातें लिखी हुई है। लेकिन फिलहाल देखिए किस प्रकार से तेजस्वी यादव जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो तमाम तरह के जो गतिविधियाँ हैं वो नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पर तमाम जो आरजेडी के नेता, तमाम कार्यकर्ता, सभी लोग पार्टी दफ्तर पहुँच गए हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। जिस प्रकार से कहा जाए कि आने वाले वक्त में आरजेडी का संगठन का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, पार्टी को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, बीते समय में जो है एक दो उपचुनाव भी होने हैं गोपालगंज में, और अनंत सिंह की जो सीट खाली हुई है वहाँ भी उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पार्टी दफ्तर पहुँचे हैं। तमाम जो अपडेट्स होगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। ब्रिज फाउंडेशन के साथ नमस्कार।